सो गाइज आ गया अपने पास Realme Buds 2 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme Buds 2 के गेमिंग टेस्ट के बारे में। सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि PUBG के लिए बेस्ट ईयरफोन कौन सा है। सो गाइज बजट में अगर बात करें तो Realme Buds शायद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मैं Realme Buds को यूज़ करते हुए आधे घंटे की PUBG ट्राई करूँगा और उसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसा रहता है फुट स्टेप का आवाज़ और कैसा पूरा का मेन गेम का मेरे को साउंड इफेक्ट लगा। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि Realme Buds 2 का गिव अवे चल रहा है चैनल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वो वाला वीडियो, उसमें रिव्यू अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन मिल जाएगा Realme Buds 2 का बहुत सारे अदर एयरफोन के साथ, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलते हैं इस वीडियो के और शुरू करते हैं इस वीडियो को इस इंट्रो के साथ। और गाइस फुल साउंड पर अगर मैं खेल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा डायनामिक साउंड आ रहा है इसका, क्योंकि इसमें आपको 11.5 mm का ड्राइवर मिल जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डायनामिक साउंड है। मैं हल्का सा फुल से थोड़ा सा कम पे मैं खेल रहा हूँ, तकरीबन से 80% वॉल्यूम पे खेल रहा हूँ, तो उससे मेरे को आवाज़ थोड़ा सा सही है। सो मैंने माइक ऑफ कर रखा है, माइक ऑन कर देता हूँ अभी टीम के लिए और मैं चुपचाप गेम खेलता हूँ। सबसे पहली बात गाइस, मैं बहुत ही बेकार पबजी प्लेयर हूँ, सो इट्स लाइक कि कैमरा के साथ पबजी खेलना और ज़्यादा एडजस्ट करके खेलना पड़ता है, तो थोड़ा सा और अनकंफर्टेबल जोन हो जाता है। सो कह लो कि पहले ही से नूब, ऊपर से अनकंफर्टेबल जोन, तो पबजी में मरना तो तय है। तो गाइस अब बात करते हैं मेरे पबजी एक्सपीरियंस की Realme Buds 2 के साथ। सो गाइस जो भी मेरा रिव्यू होने वाला है वो कंसिडरिंग 600 रुपये का जो बजट है इसका, उसके हिसाब से मैं बताऊँगा आपको। सो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की गाइस। मैक्सिमम वॉल्यूम पे PUBG साउंड काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है Realme Buds 2 के साथ। सो गाइस यहाँ पे आपको जो साउंड आउटपुट है 11.5 mm का जो ड्राइवर है उसके साथ मिलता है, जो आपको साउंड आउटपुट काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है और थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आपको फील होता है फुल वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे मैंने आपको 80% साउंड रखा है और उसके साथ जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इन गेम जो म्यूज़िक जो साउंड आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और यहाँ पे जो ईयरफोन की फिटिंग है वो बेस्ट लगी मुझे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है Realme Buds 2 ने। और गाइज जो साउंड आउटपुट होता है वो आपको मोबाइल पे भी डिपेंड करता है। मेरे पास गाइज Realme X है और इसका जो आपको ईयरफोन हेडफोन के साथ जो साउंड आउटपुट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे आपका अगर कोई और दूसरा मोबाइल होगा तो उसके हिसाब से भी डिपेंड कर सकता है। सो आप 100% वॉल्यूम पे भी शायद खेल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 80 या 70। ओके सो गाइज दूसरी बात करते हैं फुट स्टेप्स की। सो गाइज Realme Buds 2 में स्टीरियो इफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, जो गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिवली परफॉर्म किया है Realme Buds 2 ने। सो गाइज यहाँ पे आपको स्टीरियो इफेक्ट की वजह से प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है आपको फ्लोर का, या फिर आपको डायरेक्शंस का, या फिर आपको मेरे ख्याल से जो अगर ऊपर वाले बिल्डिंग में भी कोई एनिमी घूम रहा है तो आराम से पता लग जाता है, और अगर जो कोई भी डायरेक्शन से आता है लेफ्ट से या राइट से, तो स्टीरियो साउंड इफेक्ट के हिसाब से आराम से आपको पता चल जाता है कि कौन सा गेम खेल रहा है। तो उसके हिसाब से जो स्टीरियो इफेक्ट है, मैं पक्की बात कह सकता हूँ कि पबजी गेमिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहा है। और गाइस यही सेम चीज़ आपको अप्लाई करती है कार एंड बाइक की आपको साउंड इफेक्ट पे भी, उसमें भी आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको फुट स्टेप के लिए अच्छा है, यहाँ पे मैं पक्की बात अच्छा मानता हूँ। ऑल्सो गाइज अगर मैं बात करता हूँ इन गेम वॉइस चैट की, जैसे कि आपको जो दूसरे टीम मेट से आप चैट करते हो उसमें भी कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आई है, मतलब कि आपको यहाँ पे जो माइक है ये Realme Buds 2 का वो काफ़ी ज़्यादा सही है। और नहीं है कोई यहाँ पे?
ऑब्जेक्ट और होगा। तो कॉल करते वक्त या फिर इन गेम में वॉइस चैट करते वक्त कभी भी परेशानी नहीं आएगी आपको। सो गाइस अगर कंक्लूड करते हैं, एक 600 रुपये के ईयरफोन के साथ पबजी खेलना क्या संभव है, मतलब कि पॉसिबल है? तो हाँ गाइस, पक्की बात है, रियलमी बड्स 2 प्रॉपर आपको एक पैकेज देता है गेमिंग ईयरफोन के हिसाब से। अगर मैं बताऊँ तो आराम से चल जाएगा। जो इसका आपको बूस्ट इन साउंड है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अदरवाइज बाकी हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। सो अगर आप सोच रहे हो रियलमी बड्स 2 खरीदने के लिए, स्पेशली पबजी खेलने के लिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट है 600 रुपये। अगर आप 200 रुपये और मिला के सिनाइजर CX180 खरीदते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन सिनाइजर में आपको माइक नहीं है तो इन गेम वॉइस चैट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन गाइस उतना चल जाएगा। सिनाइजर मैंने ट्राई किया और सिनाइजर का भी जो आपको पबजी के साथ जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही था। पबजी के लिए आपको लेना है रियलमी बड्स 2 तो आपकी बात है, जा सकते हो उसके साथ। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद और बाय।